BCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। बडगाम में हुए विमान क्रैश में मथुरा का लाल पंकज नुहवार शहीद, परिजनों को फोन से मिली सूचना। बालाजीपुरम के सारंग विहार स्थित आवास पर गमहीन माहौल, आने जाने वालों का लगा तांता। मूल रूप से मथुरा जनपद के जरेलिया गांव का रहने वाला है शहीद पंकज, एयर फोर्स की 1 बिग बटालियन में कोपल के पद पर था तैनात। एयर फोर्स में 2012 में हुआ था भर्ती। घर में पिता रिटायर्ड सूबेदार मेजर नोहवत सिंह, माँ रेखा देवी, छोटा भाई अजय, पत्नी मेघा और 1 साल का बेटा रुद्र। 3 साल पूर्व हुई थी शहीद पंकज की शादी। क्या रहा मेरे को? मैं सिंह बालाजपुरम में रहता हूँ। मेरा गांव गलिया नौली के पास बारिंगपास जिले गांव है। मेरा बेटा 7 साल पहले एयरफोर्स में श्रीनगर बनबी में पोस्टेड था। वहाँ से खबर आई है विंग कमांडर ने फोन किया है कि वो उसमें जहाज में थे MI-17 में, और पंकज उसमें ये थे शामिल, 6 जवान उसमें शहीद हुए। कितने कुछ पता चला, कितने लोग थे उनके साथ? 6 बताए थे हम तो, 6 जवान थे उसमें। 6 जवान शहीद हुए उसमें? कोई धमाका हुआ था क्या, रहा किस तरह से जानकारी दी गई? ये तो कुछ अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने। थैंक यू। क्या जानकारी लगी अब तक? हमारी जानकारी ये लगी कि जो पाकिस्तान के विमानों ने, F-16 विमानों ने हमारी सीमा में घुस कर के हमले का प्लान था उनका। हमारे जो मिलिट्री पोस्ट है उनके ऊपर हमला करने का इरादा था, लेकिन हमारी एयरफोर्स के जो MiG-21 लड़ाकू विमान है उन्होंने उनको वापस खदेड़ दिया। हाई अलर्ट पर थी एयरफोर्स से M-17 जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है उसमें एयरफोर्स के 6 जवान उनके निगरानी के लिए LOC पर गए हुए थे। तो रास्ते में बड़गाम के पास में उनका वो तकनीकी खराबी होने के कारण क्रैश हो गया, वो नीचे गिर गया, इस वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो अभी जानकारी में कितने लोग इसमें शहीद हुए? उसमें 6 लोग शहीद हुए हैं और उनकी जो पार्थिव शरीर है वो जो उनके अभी वहाँ से लेके आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन होगा, तब जा करके ये कल यहाँ पर पहुँचेंगे। आज हवाई सेवा बंद है इस वजह से आज नहीं पहुँच सकते। जानकारी में आया कौन कौन लोग थे उसमें? उसमें पायलट था, क्रू मेंबर थे, ये क्रू मेंबर में था लड़का।